So good morning all of you. Let's start our today's class. आज हमारा units and dimension का 11th and last lecture है. ठीक है? आज हम लोग काफी हद तक questions solve करेंगे depending on what we studied in last class. मैं इसलिए सबसे पहले उसको recall करने की कोशिश करूँगा. Today's date is 10th of June. Last class में हमने जो basic चीज पढ़ी थी एरर फाइंड आउट करना, हाउ एरर्स प्रोपेगेट. मान लीजिए कि हमने एक क्वांटिटी में एरर, हमारे क्वांटिटी को मेजर किया और उसमें एरर आ गया, तो मान लीजिए उसको अगर कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो वो एरर कितना प्रोपेगेट होगा. ठीक है, मैं बहुत बेसिक से अगर सारी बातें बताऊं, पूरा एरर अगर एक बार रिकॉल करवा दूं, अगर तो मैंने बताया था कि कोई भी क्वांटिटी विदाउट एरर नहीं हो सकती या एरर फ्री नहीं हो सकती. हर क्वांटिटी एर में एरर जरूर होता है, हर क्वांटिटी में एरर जरूर होता है. क्लियर है? देखते हैं. मैंने बोला था कि कोई भी क्वांटिटी अगर आप लेते हो, अगर मान लो वो क्वांटिटी में आपने एक एवरेज वैल्यू ए लिया है, तो उसके पास एक स्कोप ऑफ एरर भी जरूर होगा. क्लियर है? इसको कहते हैं हम लोग एरर. यहीं पर हमने बात किया था रिलेटिव एरर के बारे में बात किया. रिलेटिव एरर क्या होता है? फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन एरर है हमारा. तो रिलेटिव एरर को कहते थे हम लोग डेल्टा ए बाई ए. यहीं पे एक नया टर्म आता था परसेंटेज एरर. के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता था डेल्टा ए बाई ए, यानी रिलेटिव एरर इनटू 100. लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी में एरर है, हमने मान लिया, लेकिन मान लीजिए अगर इसको हम ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी इसके पास एरर है उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं. तो देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी है x, which is what? x equals to x plus minus delta x. मान लीजिए हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है y, y plus minus delta y. Clear? मान लीजिए आप इसके इसमें आप operations कर रहे हैं, मान लीजिए आप z equals to करना चाह रहे हैं x plus y. अगर आप दोनों quantity को add करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए दो quantity जिसके पास error है उसको add करेंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कि वो add होगा तो कुछ ऐसा होगा x plus y. x प्लस वाई ट्रू वैल्यू ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस एरर भी सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, एरर भी ऐड हो जाएगा. मान लीजिए अगर हम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्लास दो क्लास पहले हमने बताया था ये चीज, बस एक बार रिकॉल कर रहा हूं. z इक्वल्स टू अगर हमने x माइनस वाई कर दिया, तो इक्वल्स टू अगर क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा. लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एरर जो होगा वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है. क्लियर है? एरर इज नेवर सब्ट्रैक्टेड. एरर कभी भी दो क्वांटिटी में अगर एरर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर नहीं डिक्रीज कर जाएगा, एरर और इंक्रीज कर जाएगा. क्लियर है? अगला मैंने बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था मैंने आपको. मल्टीप्लीकेशन में क्या बात किया था, मल्टीप्लीकेशन में बात किया था कि मान लीजिए हम z इक्वल्स टू x इनटू y करेंगे अगर, तो याद रखिएगा ट्रू वैल्यू तो विल बी इक्वल टू सिंपल x इनटू y. लेकिन रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x by x. रिलेटिव एरर ऑफ x प्लस डेल्टा वाई बाई वाई. आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हम डिवीजन की बात करते हैं. मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि मान लीजिए अगर हम लोग z इक्वल्स टू x बाई वाई कर दें, डिवाइड करने की कोशिश करें, तो इस केस में हमारा ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू x बाई वाई. डिवीजन हो जाएगा, ट्रू वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई. यानी फिर से
हमारी उम्मीद थी कि डिवीजन में एरर कम होगा, लेकिन डिवीजन में एरर कम नहीं हुआ। मैं एक बार बेसिक बात रिकॉल करवाता हूँ, याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर ऐड होता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है, याद रखिएगा। और सबसे आखिरी पॉइंट हमारा, जो हम ये टॉपिक पढ़ने, जो टॉपिक पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, वो है, अगर मान लीजिए पावर के टर्म्स में हो, मान लीजिए अगर z इक्वल्स टू x टू द पावर n हो, y टू द पावर अगर m हो, तो क्या होगा? तो इस केस में ट्रू वैल्यू तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन रिलेटिव एरर कितना होगा देखते हैं। रिलेटिव एरर देखते हैं, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल्स टू पावर n इंटू डेल्टा x बाई x प्लस पावर m into delta y by y। है बहुत important concept, और इसी पे based आज पूरा का पूरा हमारा दिन चलेगा class। I expect कि सब लोगों ने last class में आखिरी 20-25 minute इसी पे based question किए थे, क्या सबको याद है? सही है, सुनो रौनक, श्रेयांश क्लास नहीं किया था, याद है, देखा है? बाकी लोगों तो चलो ठीक है, वेरी गुड। क्लास जिन्होंने मिस किया था उनको याद है, रिलेटिव एरर n into delta x by x plus m into delta y by y। बढ़िया रोमन, चलो let's start solving some of the questions। आपके लिए एक question यहाँ पे है, everyone try this question। चलिए सब लोग इस question को try करें, इसी question से हम लोग पूरा concept सीख जाएंगे। ये एक तरीके से practice question है अपना, ये किसी exam का आया हुआ सवाल नहीं है। Everyone try this। विशांक, बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट लाइन दोबारा समझा देता हूँ। विशांक मान लीजिए, विशांक समझ लो, मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है z x टू द पावर m और y टू द पावर n, मान लीजिए विशांक, ठीक है, बाकी लोग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसा है, तो मान लीजिए मुझे x और y का एरर पता है और मुझे z का एरर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ रिलेटिव एरर इन z कितना होता है, डेल्टा z बाई z is equal to कितना हो जाएगा, पावर m into delta x upon plus n into delta y upon y। Is it clear क्या? निशांत क्या ये clear है? m into delta x by x plus n into delta y by y। ठीक है निशांत, अगर example लेता हूँ, मान लीजिए आपने, मैंने बोल दिया कि kinetic energy equals to half mv square, मान लीजिए, ठीक बात है विशांक? तो मान लीजिए मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर मैं बोलूंगा कि फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, पहले जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका कोई रोल नहीं होता एरर में, याद रखिएगा, रिलेटिव एरर निकालने में कोई रोल नहीं है, वो बेकार है, वो तो हाफ को भूल जाइए। क्या क्या क्वांटिटी है? एक है मास, दूसरा है वेलोसिटी, तो मास का पावर कितना है, 1 है, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा m बाई m प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v। निशांक नहीं हो जाएगा क्या? निशांक क्या ये हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? यही बेसिक लॉजिक है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स यूज दिस, दो क्वेश्चन सीख जाओगे उसके बाद तो क्वेश्चन में दम नहीं है। इसको परसेंटेज इन चेंज में भी कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1 इनटू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इनटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव को परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शांत ट्राई करें, होपफुली क्वेश्चन बन जाएगा। As it's one of the first classes, तो ये दिक्कत आ सकती है, तो बिल्कुल fresh और end topic है ये। But still, if we put effort, we can succeed anywhere. देखते हैं, क्या ये question try करो। मैं आपके जगह रहूंगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, f टू दी पावर 1 a टू दी पावर माइनस 1 और e टू दी पावर माइनस 1, मैं तो ऐसे लिख दूंगा, सबको पावर के टर्म में लिख दूंगा, कोई बात नहीं। गुलशन, ये जो मैंने लाइन लिखाई है समझ में आया क्या? गुलशन
याद करो गुलशन, लास्ट क्लास में आपको स्टेप्स बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। गुलशन तो क्या ये स्टेप्स क्लियर है क्या? ये पहला स्टेप क्लियर है क्या? पहला स्टेप अपना क्या था? फॉर्मूला था, यही था ना। तो मैंने लिखा एफ टू दी पावर वन, ए टू दी पावर माइनस वन और ई टू दी पावर माइनस वन। सही बात है, पावर लिख, पावर के फॉर्म में लिख दिया सबको, क्लियर है। अच्छा अगला स्टेप याद है क्या गुलशन? अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव एरर इन एप्सिलॉन इक्वल्स टू वन टाइम, वन टाइम्स कितना होगा? रिलेटिव एरर इन फोर्स द एफ प्लस ए टू द पावर माइनस वन है। मैंने बोला था एरर कभी डिक्रीज नहीं करता है, तो पावर माइनस भी होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, कितना हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस बाय माइनस वन है, ये भी कितना बन जाएगा? वन। कितना हो जाएगा? डेल्टा ई बाई ई। कितना इजी हो गया। क्या आप लोग ये नहीं निकाल सकते हो? बोलिए, क्या आप लोग अब सीधा सीधा डेल्टा ई बाई ई नहीं निकाल सकते हैं? क्या डेल्टा ई बाई ई डेल्टा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नहीं निकाल सकते हैं? गौर से देखिए, फोर्स में कितना डेल्टा एफ है? 0.5/50 प्लस 0.002/0.2 प्लस 1 × 10⁻¹ × 210 × 10⁻¹। क्या ये क्लियर नहीं है क्या सबको? गुलशन क्लियर है क्या? मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको पहला क्वेश्चन, ये इसीलिए थोड़ा मेहनत करने वाला सवाल दिया पहला। क्या सबको क्लियर है? क्या ये कुछ 1/100 आ रहा है? क्या ये भी कुछ 1/100 आ रहा है? क्या 1/210 आ रहा है? ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/210। सॉल्व नहीं कर लोगे? बोलिए, क्या ये सॉल्व नहीं कर लेंगे आप लोग? सुबह में आंसर नहीं आया ना, आंसर पे आते हैं हम लोग। क्या ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये दो, ये आ रहा है कुछ 0.02 मिल के आ जाएगा क्या? 2/100 आ जाएगा 0.02 प्लस, ये कितना आएगा? गौर से देखिए, 0/1/210 है, आप खुद बताइए कितना हो जाएगा? 0. कितना हो जाना चाहिए? 0.004 ऑलमोस्ट, ये कितना आ जाएगा? 0.005 ही हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0.0248, मान लीजिए इतना ही है। क्लियर है, आपने निकाल लिया। अगर मैं कहूं यहाँ पे कि आपको डेल्टा ई निकालने को, अगर मैं बोलूं डेल्टा ई निकालने को बोलूं, तो डेल्टा ई इक्वल्स क्या लिखोगे? 0.0248 × εϵ। देखो एप्सिलॉन निकालने के ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ट्रू वैल्यू तो आपको एफ बाई ए से ही आएगा, ट्रू वैल्यू तो एफ बाई ए से ही आएगा। चलिए मेरे पास कुछ हैंड रेज हुआ है, मृगांग ने पूछा, मृगांग गो अहेड। सर यहाँ माइनस ना होगा जो, थोड़ी आपकी आवाज नहीं आई, तेज बोल सकते हैं क्या? जो माइनस वन आगे आएगा तो माइनस ना हो जाएगा। अच्छा मृगांक एक बात बताया था क्या, एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है? याद करिए मैंने आपको बताया था एरर कभी डिक्रीज नहीं होता, इसीलिए पावर नेगेटिव होता है तो पावर जनरली क्या ले लेते हैं हम लोग, उसको मॉड ले लेते हैं, यानी प्लस ले लेंगे मृगांक। इज इट क्लियर? ओके सर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती करवाएगा आपसे, ये लास्ट क्लास में भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया था हमने, देखते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब f by a करके निकाल लिए, ट्रू वैल्यू निकालते हैं। f है 50, a कितना है 0.2 और e कितना है 210 × 10⁻¹। सॉल्व कर लेना था आपने को, ये कितना हो जाएगा? ये 250, ये कुल मिला के आ रहा है 250/210 × 10⁻¹। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 0.0248 × 250/210 × 10⁻¹। सॉल्व कर लेना इसको, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा।
हर्ष 0.2 कहां से हर्ष है? हर्ष 0.2, हर्ष मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं, आप कुछ बोलना चाहते हो हर्ष? हर्ष बोलिए हर्ष। हाँ हर्ष अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सो 500 डिवाइडेड बाय 0.2 250 कहां से आ गया? मैंने कुछ ऐसा किया, ये पॉइंट को जीरो को एक ऊपर लेके चला गया। ओके सर, 2500 हो जाएगा, ठीक है? यस सर, 2500, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ना इसको, ये फाइनल सॉल्व कर लेना है आपको, ये हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ये मेहनत करने वाला था, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एग्जाम में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पहले रिलेटिव एरर निकलवाया और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरर कितना होगा ये निकालो। ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में आ सकता है, लेकिन थोड़े रद्दी लेवल के भी सवाल आते हैं। इसको सॉल्व करके तुम मुझे बताओ। देखो मैं इसमें आंसर मैच नहीं करवा रहा, आंसर आप मैच कर लोगे। ये 2500 × 0.0024 / 210 है। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। ये कुछ 10⁻⁹ के ही टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है? अमृत सिंह की बी आएगा, अमृत सिंह बी आएगा, क्रिश ऑल्सो सेइंग बी आएगा, क्या सब लोग? अमृत एंड क्रिश सिंह, देखो अमृत क्रिश मल्टीप्लीकेशन है, वो आप कर लोगे, ठीक है? अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो मेरे से एंड में पूछ लेना, क्योंकि मैं खुद इतना कैलकुलेशन करने के मूड में भी नहीं हूँ, वो आप कर लोगे, ये आपका काम। आपको प्रोसेस समझना जरूरी था अभी। चलो बोलो, सब लोग रेडी हो अपने क्वेश्चन करने के लिए? इज एवरी वन रेडी टू सॉल्व जेई क्वेश्चन नाउ? विनय लास्ट वाला फिर से, विनय विनय क्या डाउट है? विनय क्या डाउट है, कहाँ डाउट है विनय? थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन मुझे, वो ब्रॉड में लिखो, मैं समझा देता हूँ। विनय जस्ट बच्चों रुक जाओ एक मिनट, विनय को थोड़ा डाउट है, मैं क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। लास्ट स्टेप में डाउट है क्या विनय? विनय मैंने बोला कि डेल्टा ई बाई ई का जब वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो डेल्टा ई बाई ई निकाल चुके हो, तो डेल्टा एप्सिलन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कि आपको ये एप्सिलन की वैल्यू आप निकाल सकते हो ट्रू वैल्यू से, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे, आई थिंक इट विल बी मच बेटर। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इतना मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं है ये। एवरीवन ट्राई दिस, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, I am launching one poll. मैंने पोल लॉन्च किया है, आप अपना करेक्ट आंसर इस पे दे सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो किसी ने पहला आंसर एक कर दिया, नो नीड टू हरी। ये जेई मेंस 2019 का सवाल है, जेई मेंस 2019 का सवाल है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सोचो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा। We have got 4 reply. मुझे लग रहा है आप जल्दबाजी कर रहे हो वैसे। दो ही तो स्टेप है इसमें। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, मुझे कोई फॉर्मूला बताना चाहते हो तो बता सकते हो चैट में। ये क्यूब की डेंसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होगा? इफ एनीवन वांट टू गिव मी द आंसर फॉर डेंसिटी ऑफ क्यूब, यू कैन टेल। नहीं वो तो शिवम होगा, शिवम ठीक कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको और इलेबोरेट कर सकते हो क्या एज लेंथ के टर्म्स में? नहीं सही है, गुलशन उज्ज्वल शुभम सबका सही है,
वो तो मास बाय वॉल्यूम जानता हूं। अमन देखते हैं, अमन विल वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी तक 8 लोगों ने रिप्लाई किया है, जिसमें सारे ऑप्शन पे 2-2 लोगों ने रिप्लाई किया है। इटसेल्फ सेज आप जल्दबाजी कर रहे हो। बिल्कुल सही, रौनक एंड निशांक हैज गिवन मी व्हाट आंसर आई वाज नीडिंग। मास बाय वॉल्यूम तो फॉर्मूला है ही, लेकिन काम का फॉर्मूला तो वही है जो रौनक निशांक आपने दिया है। लेंथ के टर्म में बताएं क्या फॉर्मूला लिखिएगा। रौनक देख लेते हैं, रौनक आंसर के लिए वेट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला स्टेप फॉर्मूला है, अंशु वेट कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बट अभी भी आंसर आपका मैं आंसर आपके आंसर दिखाऊंगा। सनी वेरी गुड, आपका मैं आंसर दिखाऊंगा। बहुत वाइड स्प्रेड है, हर ऑप्शन पे इक्वल नंबर के लोगों ने रिप्लाई किया है। सनी देखते हैं, सनी विल वेट। JEE का क्वेश्चन है ये, और JEE मेंस का क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो मान लीजिए कि वो नीट में भी कभी ना कभी घूम फिर के आ ही जाता है। नीट का क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे। निशिता सिंह ए, श्रेयांश सिंह 0.31, यानी श्रेयांश का भी कहना है ए। मैं मेरा फॉर्मूला अभी भी ना, आप लोगों मेरे पहले सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। आपने डेंसिटी तो लिख दिया, मास बाय वॉल्यूम ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम लिखने के बजाय मैं तो ऐसे लिखना प्रेफर करूंगा, मास बाय एल टू द पावर क्यूब। क्यूब है ना, तो क्यूब का कितना साइड का लेंथ का होल क्यूब हो जाएगा, एम बाय एल क्यूब। मृगांक सही है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने जो लिखा है, शुभम हैंड रेज किया, शुभम गो अहेड पूछिए। शुभम इतने मैंने रिप्लाई किया था सर। नहीं नहीं आपका सही था, मतलब मैंने बहुत लोगों ने नहीं किया था ना, इसलिए आपका तो देखा बताई थे मैंने कि वो ठीक है एल क्यूब। तो पहला तो है फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। 20 लोगों ने रिप्लाई किया, वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड। लेकिन पहला फॉर्मूला हमने लिखा डेंसिटी इक्वल्स टू एम बाई एल क्यूब। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन मास, मास का पावर कितना है एम है, और लेंथ का पावर क्यूब है, माइनस 3 है तो पावर कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो डेल्टा एल बाई एल। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इससे आसान फॉर्मूला और क्या ही होगा, बोलिए। तो एक बार रिलेटिव एरर निकाल लिया जाए ना, तो डेल्टा एम बाई एम कितना होगा, मास के बारे में लिखा है ना क्यूब, द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड, तो मास के बारे में कितना लिखा है, एरर कितना है 0.10 प्लस 3 इंटू लेंथ का एरर कितना है 0.01 बाई 0.1। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये कुछ आ रहा है, ये बाई 100 आ रहा है पहला वाला, और अगर लेंथ में अगर देखें तो ये कुछ आ रहा है, ये 10 आ रहा है। अगर मैं बोलूं 1 बाई 100 प्लस 3 बाई 10, थोड़ा इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 100 प्लस 30। क्या ये 31/100 आया था क्या आप लोगों का, बताइए चैट में बताओ कितने लोगों को ये आंसर आया था, रिलेटिव एरर कितने लोगों को आया था, कितने लोगों को 31/100 0.31 रिलेटिव एरर आया था। कई लोगों ने इसी को आंसर मान लिया है, लेकिन क्वेश्चन रिलेटिव एरर पूछा है क्या, क्वेश्चन पूछा है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेल्टा डी बाई डी नहीं पूछा है आपसे, डेल्टा डी पूछा है इक्वल्स टू 0.31 आ गया, मैंने मान लिया, लेकिन मेरे से पूछा है डेल्टा डी। बिल्कुल सही, तो कितना होगा 0.31 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो मतलब ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। डेंसिटी अगर मेरे से कोई बोलेगा तो डेंसिटी कितना होगा, एम बाई एल क्यूब हो जाएगा। मास कितना है 10 है, एल क्यूब कितना है, एल क्यूब 0.1 का क्यूब है, 0.1 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा 10^4 केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है क्या, 10^4 केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है क्या। बिल्कुल सही है रौनक, तो अब क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 0.31 को 10^4 से
तो क्या ये 3100 आ जाएगा क्या? बोलिए, आप लोगों का जो रिस्पांस मैंने देखा, मैं आपको एक बार शेयर करता हूं। आप लोग के रिस्पांस में और इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 6 लोगों ने सही दिया, ठीक 5 लोगों ने 0.31 पे जाके अपने आंसर को रोक दिया। ये 11 लोग हैं जो ट्रैक पे थे, लेकिन वो 8 और 3 11 जिन्होंने बी और सी लगाया था वो कंप्लीटली ऑफ ट्रैक थे। तो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? लेट मी नो, बिकॉज हम सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने को कंपटीशन में एक्साइट करता है गलत करने को। गुलशन बोलिए। सर मुझे 10^4 5 देना है। अच्छा, मैंने गुलशन बोला कि देखो डेल्टा डी तो आपको डेल्टा डी निकालना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गुलशन समझ में आया क्या ये वाला इक्वेशन? यस सर। अच्छा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। यस सर। अगर ट्रू वैल्यू वॉल्यूम का डेंसिटी का निकालना होगा तो मास और वॉल्यूम का ये वाला यूज नहीं करोगे। अगर मैं बोलूंगा डेंसिटी निकालने को तो मास कौन सा यूज करोगे? ये वाला। और वॉल्यूम क्या यूज करोगे? कहाँ से यूज करोगे? ये वाला। तो मास कितना होता? तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय एल क्यूब होता है क्या? बोलिए। यस सर। अच्छा मास तो 10 है ना। एल कितना है? 0.1 है क्या? यस सर। ये बताओ ये 10 इनटू क्या लिख सकते हैं? 0.001 क्यूब हो जाएगा 0.1 का। क्वेश्चन ये भी समझ आया तो ये लिखो, क्या 10^-1 का क्यूब हो जाएगा क्या क्वेश्चन? यस सर। 0.1 को 10^-1 कह सकते हो, तो क्या ये 10^-3 हो जाएगा क्या? यस सर। अब क्या ये ऊपर -3 आ जाएगा तो 10^-10^3 आ जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है? यस। शुभम आपने हैंड रेस किया क्या? शुभम, रिशु मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। रिशु आप बताइए मुझे आपको कहाँ मेन दिक्कत आई है। रिशु मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ पाए हम लोग। और अनम्यूट और म्यूट मत करना दोबारा। रिशु अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट करना होगा ना। हाँ रिशु बोलिए। रिशु आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ रिशु, एक ही करके बात करते, कहाँ दिक्कत आई? फर्स्ट स्टेप में पहले फॉर्मूला है सर। पहला स्टेप तो देखो, कोई भी चीज रिलेशनशिप निकाल रहे हो रिशु, तो फॉर्मूला तो चाहिए होगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो एल क्यूब लिख दे, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद सर सेकंड में एडी डेल्टा डी बाय डेल्टा डी इक्वल डेल्टा। क्या आपको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद है रिशु? हाँ हाँ। रिलेटिव एरर याद करिए, अगर मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एम बाय एल क्यूब, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या हम लिख सकते हैं क्या? m टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1। और l टू दी पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा क्या? रिशु अच्छा याद करिए एरर का फॉर्मूला। एरर का फॉर्मूला में रिलेटिव, देखो इसमें रिलेटिव एरर लेते हैं, तो इसका रिलेटिव एरर डेल्टा d बाई डी विल बी इक्वल्स टू, इसका पावर कितना है? मास का पावर कितना है? 1 into delta m by m लिखेंगे क्या? हाँ। प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे क्या? पावर देखो -3 है लेंथ का। रिशु हाँ, हाँ, तो याद करिए मैंने बताया था एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो पावर माइनस भी वो क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ प्लस। बोलिए क्लियर है क्या? फॉर्मूला आ गया क्या? हो गया। अब नहीं निकाल लोगे? हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं सब लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों वाला सवाल है, सब लोग ट्राई बना सकते हैं। नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का सवाल है। मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं। मैं पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग पोल पे रिप्लाई करो, बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन लगता है क्लास में कर तो नहीं चुके ना? नहीं किया। चलो ठीक है,
पोल पे रिप्लाई करें आप लोग, आप लोग पोल पे रिप्लाई करें। निशांत आ रहा है समझ में? ओके ओके शुभम देखते हैं, विशांक देखते हैं, आंसर तो आप लोग काफी लोग रिप्लाई करो, बट स्टिल आंसर अभी भी बहुत वाइड रेंज में है, बट पहले से बेटर है, पहले से इट्स बेटर, पहले से बेटर है बट स्टिल। लेट्स सी, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ किसका आंसर सही है, मैं फिर से स्टेप्स पे जाऊंगा। अभी तक कुल 14 लोगों ने रिप्लाई किया, स्टिल वेटिंग फॉर मोर, अभी तक 14 लोगों ने रिप्लाई किया, स्टिल वेटिंग फॉर मोर। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, मैं अगेन फॉर्मूले पे जाऊंगा तो डेंसिटी ऑफ अ क्यूब क्या लिखेंगे, मास बाई एल क्यूब। पहला स्टेप तो मेरा यही होना चाहिए, फॉर्मूला देखो इस बार, लेकिन परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा है, ये आसान हो जाता है, ये बाकियों से ज्यादा आसान हो जाता है। डेंसिटी इक्वल्स टू एम बाई एल क्यूब। अब गौर से देखते हैं डेंसिटी को, अब अपने को मान लीजिए, याद करिए, कोई रिलेटिव एरर के टर्म में बोलेगा तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी equals to relative error in mass plus 3 into relative error in length। ये भी याद होगा सबको, याद करिए क्या लिख सकते हैं, percentage error in density percentage error in density is equal to percentage error in mass। relative error के जगह हम लोग इसको percentage error in mass में भी convert कर सकते हैं, plus 3 into percentage error in length। clear है क्या? बस relative के जगह percentage हम लोग लिख सकते हैं, ये हमने last class में काफी questions किए थे इस पे based। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन मास कितना है अपने पास, 3% प्लस 3 इनटू परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है, 2, कितना हो गया, 3 × 2 = 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9%। इज दिस क्लियर? सही है ऋशांक, अर्णव, अंशु, निशिता बिल्कुल सही है, सन्नी, रौनक, माना रौनक बिल्कुल सही है। अभी तक हमारे पास 11 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया था, क्या ये क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज एरर के जगह आप परसेंटेज एरर, ये सॉरी रिलेटिव एरर के जगह परसेंटेज एरर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज एरर से भी रिप्लेस कर सकते हो। यानी सिंपल सा डेल्टा एम बाई एम में परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, 3% प्लस 3 इनटू डेल्टा एल बाय एल का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 2%, कितना हो गया, 9%। क्लियर है क्या? ये परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, क्योंकि एरर वाले में मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्या सबको क्लियर है? रिप्लाई ऑन चैट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? हम लोग रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर बन जाता है, तो हमें परसेंटेज एरर को लेके कभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने इस तरह क्वेश्चन क्लास में कराया था, बिल्कुल सही रहा, लास्ट क्लास में हमने इस तरह क्वेश्चन लास्ट क्लास में काफी किए थे, पर आज भी ये क्वेश्चन का सबसे फेमस टाइप है, एरर निकालने के लिए सवाल, एक बार जो मैंने आपको दिखाया 2019 वाला सवाल, लेकिन जनरली वो नहीं पूछा जाता, जनरली यही ट्रेंड में है। और देखो ये सबसे महान सवाल है 2020 का, लास्ट ईयर का जेई क्वेश्चन, इससे फालतू सवाल नहीं आता। हर
ये 2020 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, इससे फालतू सवाल नहीं होता, सिर्फ देख के लगना चाहिए कि एरर का क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते, हमको बनाना ही है किसी हालत। ट्राई दिस क्वेश्चन, और मुझे इस बार आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा लोग सही बनाओगे इस बार। जैसे रिलेटिव में लिखते थे वैसे ही परसेंटेज एरर निकाल लेना। इसमें बिना मेहनत किए कैलकुलेशन फॉर्मूला वाला सब कुछ दिया हुआ है इसमें। हमारे पास दो रिप्लाई आए हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, कोई जल्दी नहीं है। निश्चित देखते हैं, आपको ज्यादा दिमाग ही लगना, पावर देखना है खाली। मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊंगा। हर्ष, हर्ष और निशिता दोनों का सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। निशांत, निशांत कोई प्रॉब्लम नहीं है, निशांत कोई इशू नहीं है, जस्ट वेट फॉर वन मिनट। Shubham, very good. I have got 7 answers out of which 5 are correct. Going great, but give yourself more time. Sunny, Shubham, sahi hai. Exam mein selection ka jo basic requirement of patience bhi hai. When we lose that, we fail. अब सोचो, अगर आपसे कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग रहा है, तो यू मस्ट गो फॉर फुल ऑन मेथड। मैं इसको एक लाइन में बना सकता हूं, ये हमारा टैलेंट हो सकता है, लेकिन नहीं बन रहा है तो ईगो हाई करके नहीं चलेंगे, हम टाइम देंगे क्वेश्चन पे। ये देखने में बड़ा अजीब फॉर्मूला दिया है। मैं अगर आपके जगह रहूंगा और मान लीजिए मैं बड़े खराब हालत में हूँ, मेरे से क्वेश्चन बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा है, तो मैं बेसिक फॉर्मूले पे जाऊंगा इस क्वेश्चन। मैं अगर आपके जगह रहूंगा और मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, तो मैं बेसिक फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा। बाकी लोग अपना सॉल्व करते रहें, जिनको कुछ नहीं आ रहा है उनके लिए है, जिनको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए है। मेरे को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 2/3 C to the power, मैं कह सकता हूँ ये 1/2 है, 1/2 C to the power क्या है 1/2 और D to the power Q। ये एक सिंपल सा हमारे पास क्वांटिटी दी गई है। श्रेयांश गलत है, थोड़ा ध्यान दो एक बार। मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ है, अभी तक हमारे पास 15 लोगों ने रिप्लाई किया है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे Z का एरर निकालना है, मुझे रिलेटिव एरर और Z का फॉर्मूला चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा? पावर ऑफ 2 a कितना है, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/3 b का पावर कितना है 2/3 इंटू डेल्टा b बाई बी, डेल्टा b बाई बी प्लस c का पावर कितना है। आप बोलोगे सर सी का पावर तो 1/2 है, सी का पावर 1/2 है, तो मैं इसको नीचे किधर लिखूंगा, पावर 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस डी का पावर कितना है 3 है, क्या लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। इज इट क्लियर? कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं बस इसी को परसेंटेज एरर में लिखूंगा। ये पूरा फॉर्मूला जो है वो समझ लो कि परसेंटेज एरर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए। ए का परसेंटेज एरर कितना है, ए का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2% प्लस 2/3, बी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1.5% प्लस हाफ, सी का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 4% प्लस
थ्री इंटू डी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, डी का अगर हम देखें तो डी का दिया हुआ है अपने पास थ्री इंटू डी का है 2.5%, 2.5%. इज इट क्लियर क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो रहा है, 4 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, 2/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 7.5 कितना हो गया, 4 2 6 1 7 1 7 14 14.5%. इज दिस क्लियर क्या? क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? करेक्ट आंसर इज 14.5%. क्या जिनको भी समझ में नहीं आया उनको क्या ये प्रोसेस समझ में आया क्या? हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा है, अगला उनका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखा है. अब रिलेटिव एरर पूछ रहा है कि परसेंटेज पूरा है पूछ रहा है, देख लेंगे सवाल में. निशांत क्लियर है? बाकी लोग, निशांत आपका आंसर आ गया था, बाकी जिनको भी दिक्कत रही है इस क्वेश्चन में. हर्ष इज इट क्लियर? श्रेयांस, हर्ष और श्रेयांस क्लियर है? देखो क्योंकि हम लोग ऐसे सवाल और करेंगे, हम लोग ऐसे सवाल और करेंगे, अगर अपने को ये नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया तो अगले वाले में एफर्ट मारो. क्या ये क्लियर है? ये सबसे फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है. स्टिल मुझे अगली बार आप लोगों से उम्मीद है कि ज्यादा लोग इसका सही आंसर देंगे. अभी भी ओनली 50% आर रिस्पॉन्डिंग करेक्टली. इस चैप्टर में सबका सही आना चाहिए आंसर. लेट्स सी, लेट्स ट्राई वन मोर. श्रेयांस ने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया था. श्रेयांस उन सब मिस्टेक्स को कम करने का वक्त है इस अगले क्वेश्चन में. लेट्स ट्राई. अब आप बोलोगे सर, अब आप सर ये देख के क्या दिखाना चाहते हो? अब ये नीट का सवाल है, नीट का नहीं है, ये जेई का ही क्वेश्चन है लेकिन नंबर वाला क्वेश्चन है. अब बोलो, आप बोलोगे सर ये पिछला क्वेश्चन से थोड़े ना अलग है, सेम ही तरीका, तो बना लो जल्दी से. मुझे इसमें नंबर आंसर में चाहिए, मुझे इसमें आंसर चाहिए नंबर में. सब लोगों से मुझे आंसर चाहिए इस बार. एवरीवन ट्राई योर बेस्ट, एवरीवन गिव योर बेस्ट, यू ऑल कैन डू दैट. माला ट्राई दिस. ठीक है हर्ष, अब मैं इसमें इसमें वो नहीं देखता, सही होगा गलत नहीं होगा, मैं भी देख लेता हूं इसमें. तो ठीक है, अभी तक मेरे पास कुल 2-3 आंसर सही है. 2 शुभम और हर्ष का आंसर सही है. निशांत जल्दी से एक बार वेरीफाई करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है. अर्णव कैलकुलेशन मिस्टेक है. निशांक कैलकुलेशन मिस्टेक है. निशांक आप लिखने में गलती कर रहे हो. शिवम सही है, गुलशन सही है. निशांक जो आप लिख रहे हो वो तो हो ही नहीं सकता, एक बार जल्दी से वेरीफाई करो. हर्ष याद रखना, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इजी लगता है मतलब चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है. कोई क्वेश्चन जेई का ऐसा नहीं होता जो इजी होता है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू. कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है जेई का. मैं आपको जेई के टफेस्ट क्वेश्चन भी 2 लाइन के अंदर सॉल्व करने का बता सकता हूं. यू हैव टू रियलाइज कि हर क्वेश्चन का एक ही लेवल है. वेरी गुड निश्चिता, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड रौनक, अमन, अमृत, सनी, सब सही है. गुलशन सबका सही है. दैट्स व्हाट यू वांटेड. विवेक थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी से कैलकुलेशन सुधारो. निशांक वेरी गुड, बीना वेरी गुड. अब थोड़ा मजा आ रहा है. माला थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. ये कितनी बार इस तरह के सवाल है ये भी देखो. 6 पेपर हुए हैं 2021 में, उसमें से 4 पेपर में से बेस्ट क्वेश्चंस हैं. निशांक सही है. निशांक अब आया, वो 14.4 पता नहीं कैसे हमने लिखा था. अर्णव ठीक है. निशांत आपका आंसर क्या है? ठीक है निशांत. श्रेयांस ठीक है. मुझे लगता है कि काफी लोगों ने आंसर किया है, काफी लोगों ने इस बार आंसर किया है. स्टिल आई एम वेटिंग. उज्ज्वल, उज्ज्वल क्यों शांत बैठे हो आज?
क्या दिक्कत है उज्जवल, रॉबिन, मृगांक, मानस, उज्जवल आ गया आंसर, अंशु थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, उज्जवल मृगांक नहीं, रूट टू का नहीं आएगा विवेक, अगेन देयर इज सम मिस्टेक। अच्छा अच्छा उज्जवल, ठीक है उज्जवल समझ गया मैं, ट्राई करो खुद से क्वेश्चन तो बनाओ। शुभम ने हैंड रेस किया है, शुभम तुम्हारा तो सही आ गया था आंसर, चलो मैं देख लेता हूँ। शुभम बोलिए सर, इस पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक से सर जेईई मेंस में क्वेश्चन दो टॉपिक होता है शुभम मेन, एक टॉपिक जो होता है वो डायमेंशन था, 50% उसका भी शेयर है ऑलमोस्ट, वो मैं करवा चुका हूँ डायमेंशन, अभी रिकॉल चल रहा है उसी का भी, ठीक है। एक 50% दो पार्ट है इसके, एरर और इसका है, बाकी एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है। तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, सबको पता होना चाहिए क्या लिखेंगे, ए का पावर कितना है 2 है, तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस डी का पावर -1 है तो कितना हो जाएगा 1 डेल्टा डी बाई डी, और सी का पावर 1/2 है तो कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी, खत्म। जल्दी देखते हैं ए का, मुझे लग रहा है ना आप वैल्यू पुटिंग में गलती कर दे रहे हो, आप ए का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू बी कितना है 2, बी कितना हो जा रहा है, बी का कितना है सॉरी 3 इंटू नहीं सॉरी 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू बी का कितना है 2 प्लस हाफ इंटू 2 मिला के कितना हो गया 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 9 चार 13 14%। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर रिशु, ये रूट टू वाला समझ दिक्कत, हर्ष मैं बता दूंगा क्लास के एंड में, मैं सबका रेफरेंस दे दूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा क्या पार्ट कहां पे आपको मैंने छोड़ा एक एक टॉपिक छोटा सा। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन नीट का देता हूं, ये नीट का क्वेश्चन है, ये दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट, गौर से देखो क्या ये बिल्कुल उसी टाइप का नहीं जो जेईई में आ रहा है, जेईई मेंस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट 80% सेम ही रहता है, हाँ थोड़े नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दिया जाता है कभी-कभी, तो नीट में जो प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप अपने आप को जेईई मेंस लेवल तक पुश करते हो तो आपका स्पीड अच्छा बन जाएगा, खासकर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो यू विल सॉल्व। पावर सही नहीं दिख रहा है क्या, मैं पावर लिख देता हूं, टेंशन नहीं लो, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ए स्क्वायर है, बी टू दी पावर 1/2 है, सी टू दी पावर 1/3 है और डी का पावर क्यूब है। इस बार मुझे आंसर चाहिए मृगांक आपसे भी, बाकी लोग सबसे आंसर चाहिए, मृगांक का आंसर आ गया, वेरी गुड। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, देखता हूं कुछ फायदा हुआ कि नहीं, देखता हूं इतना क्वेश्चन करने के बाद क्या एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं आप लोगों की, अभी तक तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, सबका सही है, एक्सेलेंट, किसी का गलत नहीं है अभी तक, गलत होगा तो मैं बता दूंगा, सबका सही है। लेट मी कॉल अपॉन नेम्स अर्णव, शिवम, अमृत सही है, निशिता, मानस, ऋशांक, अंशु, रौनक, हर्ष, मृगांक, सबका सही है, शिवम सही है, 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इसमें 11 का सही है। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, ये टॉपिक बहुत लाइट टॉपिक समझ के मैंने इसको छोड़ दिया था अपने जेईई के प्रिपरेशन में, तो मैं एंड तक जितने मॉक टेस्ट होते थे इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं टच तक नहीं कर पाता था, इट्स ऑल अबाउट रिविजन, अगर आप पढ़ भी लो लेकिन रिविजन नहीं करोगे तो एग्जाम में 2 साल के बाद नहीं टच होगा, ये आपके 2 साल के बाद एग्जाम में आना है, इसीलिए चैप्टर पीछे रह जाता है और आप अटेम्प्ट नहीं करते हो ठीक से। गुलशन सही है, शुभम सही है, श्रेयांश सही है, विनय सही है, एक्सेलेंट, मैं तो ये डिस्कस भी नहीं करना चाहता बिकॉज अभी तक
18 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 16 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, ग्रेट, 17 आउट ऑफ 19, स्टिल आई एम वेटिंग, सनी सही है, निशांत सही है। अगर हमें थोड़ा टाइम लग जाए तो डोंट टेक इट ऑन ईगो, कोई बात नहीं, टाइम लगना चाहिए। अच्छा, पोल में श्रेयांश ने गलती से क्लिक किया है, अदरवाइज वो भी सही था श्रेयांश का आंसर। चलो कोई नहीं, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको जल्दी से क्लियर। 2% एरर इन ए कितना है? 1 है। 1/2% एरर इन बी, 1/2% एरर इन बी, बी में कितना है? 2%। प्लस 1/3% एरर इन सी, प्लस 3% एरर इन डी, कितना हो जा रहा है? 2+8+8+12, 16%। डन हो गया, 16%। डन, आई थिंक रिशु सही है। होपफुली अभी तक कुल मिला के 20 लोगों ने इसका सही आंसर दिया, 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, स्टिल 5-6 पीपल आर स्टिल सफरिंग। आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग भी अब थोड़ा आगे बढ़ के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करोगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 2020 का जेई का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में। रिशु कोई बात नहीं, आगे सब सही बनेगा, जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स। ये क्वेश्चन इस साल का जब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ जेई का, तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन अच्छा इजी क्वेश्चन है, यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चन। ये इंटीजर टाइप था, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, जेई मीन्स 2020 का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सबसे सही बनेगा। ट्राई दिस आउट, हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं, अनिष्ठा ने आंसर दिया है, इतना बड़ा आंसर अनिष्ठा, अनिष्ठा आई विल वेट, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, देख लेता हूँ। एक्सेलेंट निष्ठा, एक्सेलेंट निष्ठा, वेरी गुड। अच्छा एक सेकेंड मुझे देखने दो, मृगांक थोड़ा गड़बड़ हुआ, मृगांक फॉर्मूला को एक बार रिव्यू करो तो। निशांत कोई टेंशन, निशांत क्या लास्ट क्वेश्चन में नहीं बना? निशांत क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत है? लास्ट बना था निशांत? इस क्वेश्चन में निशांत सबसे जो पहला काम करना पड़ेगा निशांत, कि इससे एसोसिएटेड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। निशांत इसमें ना आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहला से। वेरी गुड, मेरे पास अभी तक अंशु, सनी और मृगांक, सॉरी मृगांक का तो थोड़ा गड़बड़ था, निश्चित 3 लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ चुके हैं। शिवम गड़बड़ है थोड़ा सा, शिवम थोड़ा गड़बड़ है, देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा चैलेंज भी करेगा आपको। निशांत इसमें सबसे पहले आपको डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल क्या लिखोगे? आप एक एक करके करते हैं निशांत, स्टेप्स पे जाते हैं ना। शुभम वेरी गुड, आई गॉट 4 आंसर करेक्ट आंसर। श्रेयांश वेरी गुड, 5 करेक्ट आंसर। मे बी नहीं श्रेयांश, मस्ट बी, बोलो कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंट बन दो श्रेयांश। निशांक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो। निशांक आपका आंसर 100% करेक्ट है। हाँ निशांत मैं समझ रहा हूँ, आई नो यू फेसिंग इशू, मैं आपको वो बता रहा हूं श्रेयांश, ठीक है। हाँ
निशांक आप क्वेश्चन को सही बना रहे हो, लेकिन आप आंसर में क्या पूछ रहा वो नहीं देखे हो। एक बार वो देखो ध्यान से, आपसे परसेंटेज नहीं पूछा है। मैं निशांत आपके लिए, निशांत डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल की अगर बात करोगे तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। अच्छा सॉलिड स्फीयर अगर है तो मास बाई क्या लिखोगे? 4/3 πr³ लिखोगे, 4/3 πr³ लिखोगे। और अगर मान लो डायमीटर के टर्म्स में भी लिखना है, डायमीटर के टर्म्स में भी लिखना है तो क्या लिखोगे? मास बाय 4/3 π डायमीटर बाय 2। रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाय 2 का होल क्यूब। देखो कुछ भी लिख दो, लेकिन हमको नंबर से थोड़े ना कोई मतलब है। रौनक सही है, हमको उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है कितना आ रहा है। अगर मेरे पास, मैं सीधा सीधा बोलूं कि डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है और डायमीटर के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो इतना तो फॉर्मूला सब लोग लगा लोगे कि डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डायमीटर का क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 3 × Δ d/d। शांत इज इट गोइंग टू योर माइंड? ये आ रहा है क्या? रौनक, शिवम सही है, विवेक सही है, वेरी गुड, अमन सही है, वेरी गुड। निशांत मैं ये फॉर्मूले पे जा रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको पता है, पहले याद रखिएगा। एग्जाम जब जेई में आता है ये तो आपको बड़े, क्योंकि जेई में भी उतना टफ नहीं पूछा है, लेकिन जनरली जो फॉर्मूला आ सकता है वो 11, 12 का कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो फॉर्मूला आपको पढ़ करके याद रहता है, जैसे आपको 9, 10 पढ़ लिया तो उसके फॉर्मूले आपको याद है, तो 11, 12 के फॉर्मूले भी याद रहते हैं जेई एग्जाम में। तो पहला स्टेप जो होता है, निशांक अगेन आप आंसर ला के भी आपका रिप्रेजेंटेशन गलत जा रहा है, मैं बताता हूँ। निशांक अब ये फॉर्मूला लिख दिया, अच्छा मास का इंटू वन है तो मास का परसेंटेज रेट कितना दिया हुआ है? 6%। और 3 × Δ d/d कितना है? 3 × Δ d/d कितना है? 1.5 × 3 हो जाएगा, 3 × 1.5। मुझे लगता है किसी को क्लास में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि करेक्ट आंसर इज 10.5%। निशांक कितना आया था आपको? निशांक आप भी यही कहना चाहते थे ना कि फाइनल परसेंटेज जो आ रहा है वो 10.5% आ रहा है। डू यू अग्री विद मी? से यस इफ यू अग्री विद मी। क्या सबको परसेंटेज इतना आ गया था? परसेंटेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंसर, परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज तो इतना आ गया था, काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। तो अपने को ये पूछा है कि बताओ एक्स बाई 100%, ठीक है, मेरा फाइनल जो एरर है वो डेंसिटी में एक्स बाई 100%। अच्छा एक्स बाई 100% मतलब इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10.5% होना चाहिए। हमारा आंसर तो 10.5 आया है ना, वो किस फॉर्म में लिखना है अपने को? एक्स बाई 100 के फॉर्म में। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 × 100 नहीं हो जाएगा क्या? ये 1050 नहीं हो जाएगा? निशांक मैं, क्योंकि आपका ही मेजर डाउट था, शुभम ने हैंडल्स किया, शुभम मैं आ रहा हूँ आपके पास। निशांक क्या आपका डाउट क्लियर है क्या? निशांक आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, ये छोटे छोटी चीजें फंसा सकता है आपको, है ना? निशांत क्लियर है। अब मैं आता हूँ, एक सेकेंड जो डाउट था शुभम, अच्छा हैंडल्स हटा लिए शुभम, इतना ही आया था, सही था आप लोग का आंसर, वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप ऑलमोस्ट किस जेई लेवल का क्वेश्चन बड़े आराम से टच कर पा रहे हो। ये AI ट्रिपल ई 2012 का सवाल है। AI ट्रिपल ई किसको कहते हैं? तो याद करो जेई मेंस के पहले 2014 के पहले इसका नाम AI ट्रिपल ई था, ट्रिपल ई था। तो ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। विनय ने पूछा है सर डायमीटर को रेडियस में चेंज नहीं करेंगे? मैंने विनय देखो क्या है ना, अगर डायमीटर को अपने को क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रहा है, रेडियस डायमीटर से डिपेंडेंस पूछ रहा है विनय, और हमको फॉर्मूला रेडियस के टर्म में पता होता है, तो रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना कोई बड़ा मसला तो है नहीं विनय, क्या विनय? क्योंकि हमको डायमीटर का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, रेडियस का परसेंटेज चेंज दिया है क्या? रिश्ता मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं पहले, रिश्ता होप सही होगा, बट मैं पोल लॉन्च करता हूं, मैं बाद में बताऊंगा सही है। चलो डन। विनय जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, क्या वो क्लियर हुआ क्या?
होप ये सबका सही हो। तो ये जेई का क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे जिसे बन जाएगा वो तो कहेगा सर इतना बेकार क्वेश्चन जेई में आता है, दैट्स द फैक्ट। अभी तक हमारे पास 10 रिप्लाई आए हैं और 10 में से 9 सही हैं। शिवम निशांत मुझे रुक जाओ एक सेकंड, नहीं शिवम और निशांत दोनों गलत है, आप लोग एक बार वेरीफाई करें, मैं आपको कहूंगा फिर से थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ और इसका आंसर जितने लोगों ने दिया है, निशिता इट्स करेक्ट, अंशु इट्स करेक्ट, सनी इट्स करेक्ट, शिवम इट्स रॉन्ग, अमन सही है, सनी सही है, अर्णव गलत है, आप लोग सब लोग एक ही तरह की गलती कर रहे हो, अर्णव गलत है, श्रेयांश ठीक है, आप लोग मैं फिर से कहता हूं गलत तो मैंने बोल दिया, आप लोग का एक अटेम्प्ट फेल हो गया, आप लोग फिर से उस फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले पे फिर से शिफ्ट करो, आप यू वुड गेट द फाइनल आंसर। निशांत गलत था वो, निशांत फिर से आप फॉर्मूले पे शिफ्ट करें, रिविजिट करें, आपको आंसर आ जाएगा, आप क्लोज हो, आप क्लोज हो, लेकिन एक बड़ा सिंपल मिस्टेक हो रहा है। रिशुभ एक्सेलेंट वेरी गुड, अभी तक हमारे पास देखो 18 रिप्लाई आए हैं जिसमें से 10 सही है, ये शुरुआत 10 में से 9 था, लेकिन आप लोग इतना आसान क्वेश्चन, आप लोग को विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन आया, इसीलिए गलती कर रहे हो आप लोग, ये भी कभी कभी होता है, इतना आसान कैसे दे सकता, कुछ तो दिमाग लगाया होगा क्वेश्चन। अर्णव इट्स फाइन वेरी गुड, गुलशन गलती है, शुभम अगेन वही मिस्टेक है जो सब कर रहे हैं, सब एक तरह का एक सिंपल टाइप का मिस्टेक कर रहे हैं, जिन्होंने गलत किया है खास कर मैं बोल रहा हूं जिन्होंने सी लगाया है वो अपने ऑप्शन को रिविजिट करें। खुशी वेरी गुड, रिशांग गलत है, रिशांग गलत है, रिशांग आपने डिवाइड कर दिया परसेंटेज को, फिर से फॉर्मूले पे जाओ और ठीक से सॉल्व करो, आपने ब्लंडर किया है। पहला स्टेप फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा ना तो फिर आप बोलोगे सर ये बता दिया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं चाहता हूं खुद से अपनी गलती सुधारें, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। शिवम ठीक है, शिवम आई थिंक आपने अपनी गलती सुधारी है, रिशांक आपने भी सुधार लिया, एक्सलेंट, दैट्स व्हाट आई वांट। अमृता वेरी गुड, आप अपनी गलती खुद सुधार रहे हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। विवेक गलती है, विवेक आप वो एरर कर रहे हो जो हमने शुरुआत में हमने करने से मना किया था, आप माइनस कर रहे हो परसेंटेज एरर को जो कि सरासर गलत है। क्रिश आप डिवीजन में कैंसिल आउट कर दे रहे हो इसीलिए आपका 1% आया है, मैं सबके रीजन समझ रहा हूँ क्यों गलतियां कर रहे हो आप लोग। शुभम सही है वेरी गुड, अमृत सही है, क्या आप सब लोग ये बात लिख सकते हो क्या परसेंटेज चेंज इन आर equals to percentage change in B plus percentage change in I. I विवेक आपने यही गलती कर दिया है, क्या है माइनस नहीं किया विवेक आपने, विवेक क्या आपने माइनस नहीं किया है, गलती हुई विवेक समझ में आ गया, विवेक जल्दी मुझे आंसर बताओ तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी विवेक तुम्हें गलती पता चल चुका है तुम्हारा, अब डेल्टा वी बाई वी मतलब परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3%, परसेंटेज चेंज इन करंट कितना हुआ है 3%, 6%, सोच लीजिए, ये इतना आसान सवाल आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, नो क्वेश्चन इज इजी एंड ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, कोई टफ नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया बट स्टिल वॉन्टेड मोर। ये एक क्वेश्चन आया था लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है,
आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है जो आप यहां पढ़े नहीं हो, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू टी बाय म्यू, ठीक है। याद रखिएगा टी होता है यहां पे टेंशन, टेंशन, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ये वी बोले तो, वी बोले तो स्पीड, स्पीड ऑफ वे। मैं ये फॉर्मूला आपको देता हूं, 12th के बाद ये फॉर्मूला याद रखना। जेई का क्वेश्चन है इस साल का, ये इस साल का क्वेश्चन है, इस साल का मतलब जैन जो फेब में हुआ है। रिशु, रिशु आपने बोला कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था रिशु क्या कि करंट तीन कैसे, रिशु उसमें उसमें लिखा हुआ था ना, रिशु उसमें लिखा हुआ था ना कि वोल्टेज और करंट दोनों का परसेंटेज एरर 3% ईच है। रिशु मैं जल्दी से क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, रिशु देख लो एक बार। मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस आर द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच। रिशु क्लियर है क्या? लिखा हुआ था दोनों में 3-3% है। ये सब लैंग्वेज पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रिशु। क्या होता है ना, लैंग्वेज नहीं पढ़ते ना तो कभी कभी वो गलतियां कमिट कर जाते हैं। अमन ने आंसर सही दिया, अमन निष्ठा। ये देखो ये ऑप्शन वाला नहीं है, ये सॉल्व करना है। अभी तक हमारे पास 5 से 6 आंसर करेक्ट आ चुके हैं। अमन निशिता, अमन श्रेयांश, अंशु, गुलशन गलत हो गया, गुलशन एक बार जल्दी रिविजिट करो। अमृत सही है, वेरी गुड, सबका ही सही है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद रहे तो, फॉर्मूला याद रहता ही है, आसान सिंपल फॉर्मूला में से है। आगे जाके पढ़ोगे फॉर्मूला। ये जेई इस साल का सवाल है, ये सोचो ऐसा ऐसा सवाल आ जाए तो टाइम कितना बचा सकता है अगर आपको आता है तो। इसलिए ये टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करता है। सन्नी, खुशी, गुलशन, अमृत, सबका सही है। गुलशन आपने सुधार लिया प्रॉब्लम, वेरी गुड। इसीलिए आप यही यही फायदा है कि आपने अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करके सुधारा। विवेक गलती है, आप अपने प्रॉब्लम को रिविजिट करें एक बार। यू वुड सॉल्व योरसेल्फ विवेक, छोटी सी सिली मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन में, फिर से फॉर्मूले को देखो एक बार। शुभम सही है, अभी तक 15 से 16 लोगों ने सही आंसर दे दिया है। निशान ट्राई दिस। निशिता आपका आंसर अभी तक नहीं आया शायद, क्या निशिता आ गया? ठीक है। हर्ष आपका आंसर नहीं आया अभी तक, हर्ष। रौनक, रौनक का आंसर आ गया क्या? अमृता वेरी गुड, मानस वेरी गुड, कोई नहीं। निशांत सिंपल फॉर्मूला यूज करो। निशांत क्या आप ये लिख सकते हो, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू, दोनों का पावर 1/2 है तो हाफ इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस हाफ इंटू डेल्टा म्यू बाई म्यू। सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। अच्छा हर्ष आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा मास पर यूनिट लेंथ के बारे में कुछ दिया है क्या? निशांत गड़बड़ हो गया, निशांत गड़बड़ हो गया। मास पर यूनिट लेंथ के बारे में कुछ दिया है क्या? तो कुछ नहीं दिया है तो आपके पास ऑप्शन क्या? 0% मानोगे, 0% मानोगे, कुछ नहीं दिया तो 0% ऑब्वियसली होगा। तो आपके पास तो सिर्फ क्या बचा, टेंशन का बचा। क्या ये आंसर क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर? याद रखिएगा ये सवाल डायरेक्टली तो आता ही है, लेकिन हर पेपर में एक इनडायरेक्ट सवाल भी होता है इससे, दूसरे टॉपिक का इंक्लूड करके। परसेंटेज एरर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 2 सवाल आ सकते हैं। चलिए शुभम ने हैंड रेस किया, शुभम गो अहेड।
सर पूछना था कि सर अगर कोई क्वेश्चन में अगर तीन वैल्यू मतलब दो वैल्यू दिया और तीसरा मतलब मालूम करना है सर, तो उसमें अगर एक नहीं दिया तो उसके अगर कुछ नहीं दिया वैल्यू तो हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते हैं किसी में? फॉर्मूले में कुछ नहीं दिया इसमें आपको, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको जीरो मानना पड़ेगा, है ना? मास पर लेंथ फॉर्मूले का एक पार्ट है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आप उसको क्या मान लो, उसके चेंज को जीरो, है ना? ये सिंपल फैक्ट है। ये आप अपने आप से कोई परसेंटेज एरर तो अज्यूम नहीं कर सकते ना? यस सर। ठीक है, चलिए ओके देखते हैं। एक एक बोला रिशांग ने बोला सर देखो रिशांग क्या है, ये क्वांटिटी है मास पर लेंथ वाला, मैं कह रहा हूं इसके बारे में रिशांग कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अपने को परसेंटेज एरर इसका क्या मानना पड़ेगा? जीरो। और कोई ऑप्शन नहीं है ना रिशांग, अपने आप से थोड़े कोई परसेंटेज एरर मान सकते, देखो ये मुझे ये क्वेश्चन जेई मेंस 2018 का सवाल है, लेकिन अब इतना रेपिटेटिव सवाल है ना, इसके बाद वेक्टर शुरू करेंगे। देखो ये बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है, मैं टाइम देना नहीं चाहता हूं, मुझे क्विक आंसर चाहिए इसका, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्लास में, मैं ये क्लास में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे बस क्विक रिप्लाई चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा चुके हैं, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट पेक्ट सबसे बन जाएगा ये। देखो रिशांग हाँ बिल्कुल सही है, सबके आंसर सही है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, टाइम ले लो, गलत मत करना बस। अभी तक मेरे पास 6 रिप्लाई आए हैं, सबके सही है। रौनक क्या कर रहे हो? ठीक है रिशांग, ठीक है अमृत, हर्ष ठीक है, सबका ठीक है। ये रौनक को पता नहीं क्या हो गया, रौनक जल्दी, हाँ ठीक है। छह लोगों ने एक साथ अचानक सारे आंसर गलत दे दिए। शिवम कैसे हो गया 2.5? शिवम 2.5 कैसे किया? जल्दी से फिर से एक बार देखो तो क्या गलती की हो। कर दिया गलती, मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा अब इसको, काफी लोगों ने गलत कर दिया। देखो जेई मेंस वाले ऐसे ऐसे सवाल देके तुम गलत कर दोगे फिर तो तुम पेपर को टफ कहने का हक नहीं रखते ना। जितने लोगों ने ए लगाया है, जितने लोगों ने ए लगाया है सब लोग तुरंत वेरीफाई करें इसको, माइनस गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, फिर से कैलकुलेट करो। जितने लोगों ने ए लगाया है गलत है, फिर से वेरीफाई करें, आप लोग आंसर दें अपना। क्वेश्चन तो आज इतनी बार कर लिया कि अब याद हो जाना चाहिए। श्रेयांश ठीक है, अर्णव सही है, ठीक है शुभम ठीक है, मानस करेक्ट हुआ, मानस करेक्ट हुआ, क्या ये 4.5 नहीं आ रहा है? ठीक है मानस, चलो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, कितना हो जाएगा? निशांत इज इट क्लियर? शुभम हैंड रेस किया भाई, शुभम गो अहेड, शुभम हैंड रेस किया हुआ था, फिर पूछना था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा एक कॉमन सवाल है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आए हैं, मैं इसको इसलिए लास्ट में रखा हूं इसको। गौर से पढ़िए क्वेश्चन को, इसमें कुछ थोड़ा दिमाग लगाना होगा इसमें।
You will have to use your brain. मैं एक छोटा साइज क्वेश्चन को समझने के लिए हिंट देता हूं. याद रखिएगा, अगर आप किसी स्केल से किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो उस स्केल से मेजर करते वक्त जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है वो उसका होता है, जो मिनिमम चीज उसमें हम मेजर कर सकते हैं. क्लियर है क्या? यहीं पे एक टर्म आता है लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट, हर डिवाइस में एक लीस्ट मिनिमम पॉसिबल मेजरेबल वैल्यू होता है. जैसे एक 10 सेंटीमीटर का स्केल उठा के जब रखते हो, 15 सेंटीमीटर का स्केल रखते हो, उस स्केल में देखना तो मिनिमम जो चीज होता है मेजर कर सकते हैं वो होता है 1 मिलीमीटर. एक सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है. तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजरेबल वैल्यू. मिनिमम, मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, मेजरेबल वैल्यू. याद रखिएगा, यही होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर. यही किसी में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है स्केलिंग में. मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैंने आपको ये बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करें आप. कोई खास नया चीज नहीं है, सेम चीज है बिल्कुल. लीस्ट काउंट या मिनिमम मेजरेबल वैल्यू जो होता है वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट होता है. सब लोग ट्राई करें, ये क्वेश्चन आपका जेई का आया हुआ सवाल है, ये सब लोग बनाए. और ये इस साल का क्वेश्चन है, इस साल जो आया. एवरीवन गिव योर बेस्ट शॉट. मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं. रिशु, आपने एक सवाल पूछा है सर, या 3.14 पाई. रिशु, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली. अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो आप जो मेहनत करना चाह रहे हो एक्चुअली इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. शायद परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिशु. तो थिंक अगेन. आपको बड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं अगर बोलूं तो अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है लेकिन इजीएस्ट भी है. ये आपको हमने जो स्टेप्स लिखवाए थे आपको ये बेसिक स्टेप्स पे लेके जाएगा. निश्ता सिंह 1.13%. निश्ता देख लेते हैं, निश्ता देखेंगे. सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में एक बात का ध्यान रखना, जो पता है उसको एक तरफ, जो नहीं पता है या निकालना है उसको एक तरफ. ये पहला स्टेप मैंने आपको बताया था. फर्स्ट स्टेप शुड बी कि जो नोन क्वांटिटी जिसका हमको पता है कि कितना एरर हो सकता है उसको अलग, जिसका कैलकुलेट करना है उसको अलग. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पहला चीज जी इक्वल्स, जी हमको कैलकुलेट करना है. किसी को इस फॉर्मूले में कोई तकलीफ है तो बताइएगा सब लोग मुझे. सब लोग बताओ पहले, क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला वाला पॉइंट समझ में आया क्या? सब लोग याद करो, सब लोग याद करो कि मैंने बताया था कि जिसको कैलकुलेट करना है वो एक तरफ रखो, जिसका वैल्यू एरर अपने को पता है उसको दूसरे तरफ करो. फॉर्मूला का ये बेसिक पहला स्टेप यही है. तो यहीं पर हम पहली गलती कर जाते हैं. कर लिया मान लीजिए. अब बात, सवाल यह है कि क्या हमको लेंथ का एरर पता है? क्या हमको टाइम का एरर पता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, देखते हैं हम लोग.
क्या अगर मैं कहूं इस फॉर्मूले के हिसाब से कि परसेंटेज एरर ऑफ जी इज इक्वल टू 4π² को तो भूल ही जाइए, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 × परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 × परसेंटेज एरर इन टाइम, क्या क्लियर है सबको? आप लोगों ने पोल पे देखो रिस्पॉन्ड किया, ये अच्छा सवाल है, नया तरह का सवाल है, ये हम लोग सीख लेते हैं। अब परसेंटेज एरर इन लेंथ कोई मेरे से पूछेगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल्स कितना होगा देखते हैं। लेंथ में दिया हुआ है, लेंथ में दिया हुआ है कि मिनिमम डिवीजन मेजर्ड वैल्यू जो है वो 1 मीटर है और मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 1 मीटर इंटू 100। देखते हैं 1 मीटर का मतलब 10⁻³ बाई 1 × 100 मिला करके कितना हो गया, ये 0.1% हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको परसेंटेज एरर इन लेंथ क्लियर हुआ क्या? परसेंटेज एरर इन लेंथ इज इक्वल टू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने बोला कि लेंथ को लेके दिया है कि वैल्यू ऑफ लेंथ दिया हुआ है और मिनिमम डिवीजन ऑफ स्केल, स्केल का जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 1 मिलीमीटर। अगला सवाल टाइम को लेकर के होना चाहिए कि हमारी घड़ी जो है उस घड़ी का परसेंटेज एरर इन टाइम देखें अगर, तो घड़ी में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ये सवाल अलग तरह का है इसलिए सीखना जरूरी है, ये क्वेश्चन भी इजी है लेकिन ये सीख लोगे तब। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में बोल रहा है कि मेरा मिनिमम जो रिजोल्यूशन है वो कितना हो रहा है 0.01, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, और 1 कंप्लीट ऑसिलेशन घड़ी में कितने सेकंड में होता है, 1 सेकंड में होता है, तो 1 सेकंड तो इंटू टाइम क्या लिख देंगे, बाई 1 × 100%, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1%। इज दिस क्लियर क्या, बोलिए इज इट क्लियर? क्या हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे, क्या अब हम लोग परसेंटेज एरर इन जी नहीं निकाल लेंगे अगर लेंथ और टाइम का पता चल गया तो? बोलिए क्वेश्चन में 1.95 क्या दिया, अच्छा सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा ओके सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली हम मैंने वो ले लिया जो जनरली हम लोग अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.95, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन का 1.95 दिया हुआ है, तो रुक जाते हैं एक सेकंड, रुक जाइए, हमने बेकार में हमने मान लिया जबकि क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है 1.95, तो कितना हो रहा है 1/1.95, सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, बताइए 1/1.95 कितना होगा, कोई भी नहीं निगांक, मैंने वो वैल्यू ले लिया जो एक्चुअली हम लोग मानते हैं, तो 1/1.95 कितना होगा वैल्यू, थोड़ा मुझे बताएगा कोई, कोई बता सकते हो 1/1.95 कितना होगा? सनी ने कहा कि सर ये 1.03, नहीं सनी ये कितना होगा ऑलमोस्ट 100/195 परसेंट, ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 5 से करें तो 20/39 हो जाएगा, जो भी है 20/39 जो भी है, अमानी सिंह 0.51 हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा जो भी है। मैं क्या करूंगा कि मैं अब निकालूंगा इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग, फॉर्मूले को यूज करते हैं, कितना हो जाएगा एल का परसेंटेज चेंज कितना है 0.1 प्लस एल का प्लस 2 × 0.51, तो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 1.02 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.12%, कौन सा ऑप्शन होगा,
करेक्ट ऑप्शन विल बी नियर टू सी. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या मैं एक अप्रोक्सीमेशन में लू तो वही आंसर आएगा? क्या सबको क्लियर है? क्या हमने परसेंटेज चेंज इन लेंथ कैसे निकाला? दिमाग लगाने वाली चीज और याद रखने की चीज क्या है? जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं हम लोग मिनिमम मेजरेबल वैल्यू. क्या क्लियर है सबको? बोलिए, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? होपफुली एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, पर ये सवाल बहुत पूछा जाता है. आपको सीधा सीधा अगर एरर नहीं देगा तो आपको हिंट देगा कि स्केल है, स्केल का इतना मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है. अच्छा खुद बताओ, स्केल से कोई चीज मेजर करोगे तो जो उसका मिनिमम एक मिलीमीटर गैप, उससे ज्यादा एरर थोड़े ना दे सकते हो आप. ठीक है शुभम, अब आपको पूरा वर्कशीट मिलेगा. शुभम चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब आप पूरे मॉड्यूल्स होमवर्क सब कुछ कर सकते हो. बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें एंड में दे रहा हूँ, ये घर से खुद से ट्राई करोगे. सेम वही क्वेश्चन है, 2015 में भी आया है. मुझे लगता है आपको ट्राई कर लेना चाहिए इसको, अभी करें, सीखे हो तो ट्राई करो इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं. लास्ट क्वेश्चन कर लो, 2015 जेई मेंस का क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे है. एवरीवन गिव योर बेस्ट. रिशु टेंशन हम लोग पढ़ेंगे अगले फोर्स वाले चैप्टर में. टेंशन फोर्स को कहते हैं, रिशु टेंशन फोर्स को कहते हैं. टेंशन तो हम लोग देते ही हैं टीचर साहब को, उसके अलावा टेंशन फोर्स को कहते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन 2015 में जेई मेंस में आया है. आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, क्योंकि अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन. और गौर से देखो जेई मेंस कितना रेपिटेटिव एग्जाम है, एक ही तरह क्वेश्चन दूसरी बार पूछा. देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको. मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन. घर पे दूंगा, आप रिलैक्स होके बनाओगे, उसी प्रेशर में ही बनाओ इसको भी. सेम चीज सेम पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन. थोड़ा डेटा बदला है कल और कैलकुलेशन इजी कर दिया. आई गॉट 3 करेक्ट आंसर्स. Very good, very good. Nishtha looks fine क्योंकि सबका आंसर वही आ रहा है. इतने पे तो सब लोग अग्री करते हो, इतने पे तो सब लोग अग्री करते हो. आपका प्रॉब्लम यही है ना कि परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना होगा. मुझे चलो एक एक करके बताओ, मैं सॉल्व का एक एक पार्ट सॉल्यूशन का जानना चाहता हूं आपसे. मुझे आप बताओ कि आपका लेंथ का परसेंटेज चेंज कितना आया है? लेंथ का परसेंटेज चेंज कितना आया है बताइए? एक मिलीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 100%. क्या आपको 10⁻³ मीटर में, मैं सबको कन्वर्ट कर देता हूं, जो मेरी आदत है हमेशा की, मैं उसको ऐसा यूनिट में रखता हूं, 10⁻², into 100%. ये कितना हो गया? 10⁻¹ हो गया,
10 by 20 हो गया, क्या 0.5% आया क्या? बोलिए। नहीं शुभम, 0.05 नहीं आना चाहिए, 0.5। क्या परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो है वो 0.5% आया है क्या? बोलिए। ठीक है, 0.5%, वेरी गुड। अगला, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज देखते हैं तो रेजोल्यूशन एक सेकेंड का है, बाई 90 × 100%, कितना हो गया 10/9%, विच इज इक्वल टू 1.11%। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि फाइनल अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ऐड करूं अगर, तो अगर फाइनल इस फॉर्मूले पे जाऊं तो ये ऐड होकर के कितना आएगा, ऐड होकर के आएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ विच इज इक्वल टू 0.5% प्लस 2.22% विच इज इक्वल टू 2.72%। किसके क्लोज है ज्यादा, किसके क्लोज है आप बताओ, किसके ज्यादा क्लोज है ये? Which option is nearer? क्या ये 3% के ज्यादा नियर है क्या? क्या सबको क्लियर है ये? That's it for today. आज के लिए इतना ही, चैप्टर में इतना ही। हम लोग वर्कशीट देंगे आपको, देते हैं आपको, प्रोवाइड करते हैं, होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब होमवर्क चलेगा प्लस आपका वेक्टर स्टार्ट होगा अगले क्लास से। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस चैप्टर वॉज दिस द इग्नोर टॉपिक। ये टॉपिक हमको, हम लोग एग्जाम में इग्नोर कर करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ये अगले 4 महीने जितना पढ़ाई होगा उतना ही जेई में क्वेश्चन ये देता है, मात्र 10 लेक्चर में। इंपॉर्टेंस टाइम वैल्यू के हिसाब से देखो तो बहुत ज्यादा है। अगले 4 महीने में जितने क्वेश्चन करोगे जेई मेंस में उतने इस एक महीने में पढ़ लिया आपने। वेरी गुड निश्चिता, बिल्कुल विवेक, आपको पूरा वर्कशीट दूंगा। ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे करा दिए हैं, होपफुली तो उसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन हम आपको एक अलग वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाएगा क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन खूब करोगे तो पक जाओगे, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। सनी, ओवरऑल टाइम कितना मेजर किया है? अगर ओवरऑल देखोगे ना तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये ओवरऑल शॉर्ट टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 19 यूजिंग अ रिस्टवॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन। ठीक है, तो 100 ऑक्सीलेशन का 90 सेकंड दे रहा है। हमको टोटल टाइम कितना मेजर करना है? 90 सेकंड, हमें 100 ऑक्सीलेशन की हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे। हाँ हर्ष, एनसीईआरटी में मैं टॉपिक बता देता हूं, हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया है जिसमें पैरेलेक्स भी एक टर्म है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सामने बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसा चीज है जो सिर्फ ऑफलाइन में रहेगा तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। उसका रेलेवेंस अगर मैं बोलूं तो उसका रेलेवेंस हर 5 या 6 साल में एक आध क्वेश्चन जेई में आता है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज ऐसी इग्नोर करके नहीं जा सकते एग्जाम में, तो हम उसको करेंगे इसको ऑफलाइन। ठीक है, चलो बाकी लोग लीव द सेशन। गुलशन एंड्रेस या गुलशन, गो अहेड, गुलशन गो अहेड, पूछिए। सर, एनसीईआरटी में एरर के बारे में था, सिस्टमैटिक एरर, रोटेशनल एरर, उस सब बारे में बताया। टाइप्स ऑफ एरर, यानी कुछ टर्म्स दिए गए, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर, मेजर, उसको थ्योरी है पढ़ लेना उसको। ठीक है गुलशन, वो थ्योरेटिकल टर्म्स है कुछ, उसका कोई बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं आता है। ठीक है, बट स्टिल पढ़ लेना, मैं कोई चीज इग्नोर करने को नहीं कह रहा, कोई डाउट हो तो मेरे से अगले क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, सो ओके, बाय बाय श्रेयंस, हैव अ नाइस डे। दो ही मेजर टॉपिक है हर्ष, डायमेंशन और चैप्टर, जिससे आपको जेई में क्वेश्चन आता है। नहीं, नहीं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैं कह रहा हूँ, 5 साल में एक बार का रेलेवेंस है, उसका भी इग्नोर नहीं करेंगे, उसको करेंगे हम लोग। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।